लॉकडाउन के चौथे चरण का आज दूसरा दिन है। मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है और साथ ही उनके साथ हो रहे हादसों में भी कमी नहीं आ रही। यही कड़ी में महाराष्ट्र के यवतमाल में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 15 घायल हो गए। ये मजदूर झारखंड जा रहे थे। ताजा मामला महाराष्ट्र के यवतमाल का है, जहां ट्रांसपोर्ट की बस यवतमाल के आरणी तहसील में एक ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर घायल हैं। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भारी बस सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही थी। इसके अलावा आज ही दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे मजदूर भी हादसे का शिकार हो गए। यहां उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेहड़ा मुजावर क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 अप्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह ने बताया कि यह घटना गौरी कलाम के पास की है। इस घटना के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।